माइसेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में सेवेंथ क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में जंतुओं में श्वसन का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में आपने मानव जीवन में श्वसन की आवश्यकता और मनुष्यों में श्वसन की क्रियाएं पढ़ ली थी। जंतुओं में अन्य जो छोटे जंतु हैं जैसे काकरोच, जंतुओं में श्वसन में काकरोच में श्वसन, काकरोच में श्वसन, काकरोच में जो श्वसन होता है, तो चूंकि इस काकरोच में के शरीर में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं, उनमें इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता है कि नासा द्वार हो, तो उनमें इस तरीके से हर एक पार्ट से में और ये छिद्र होते हैं इन किनारों पर, इनसे वायु का आवागमन बहुत तेजी से इसके अंदर होता है और श्वसन क्रिया इन्हीं रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का एक जाल बिछा होता है जो वातक कहलाते हैं। ये कीट इन श्वास रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इन्हीं रंध्रों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। नंबर दो, केचुए में श्वसन। केचुए में श्वसन, केचुए में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। इस केचुए की त्वचा नम एवं चिपचिपी होती है जिसके कारण ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाती है और केचुआ अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन कर लेता है। इसी प्रकार से मेढक में श्वसन, मेढक में भी, मेढक में दोनों चीजें पाई जाती हैं, नासा छिद्र भी होते हैं और त्वचा द्वारा भी श्वसन करता है। मेढक जब बाहर होता है उस समय वो श्वसन की क्रिया नासा छिद्र द्वारा करता है, लेकिन जब पानी की कमी हो जाने के कारण वो मिट्टी में नीचे अंदर की ओर घुसता चला जाता है, उस पोजीशन में वो चूंकि उसकी त्वचा नम रहती है और बाहर एनवायरनमेंट के से वो अलग होता है, उस पोजीशन में वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है। लेकिन जब इस प्रकार से मेढक श्वसन कर रहा होता है उस समय मेढक की सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं बंद रहती हैं, ना वो खाना खाएगा और ना ही वो टॉयलेट करेगा, सारी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं उसकी उस समय बंद हो जाती हैं। मछली में श्वसन, नंबर तीन, मछली में श्वसन, में श्वसन, मछलियां जल में चूंकि जलीय जीव हैं और जल में रहने पर ये जल के अंदर भी चूंकि वहां पर जल में ऑक्सीजन तो उपलब्ध है, लेकिन उस जल की ऑक्सीजन को वो गिल के द्वारा लेती है, वो अपने गिल में पानी निकालती और डालती रहती है जिसके कारण जल में घुली हुई ऑक्सीजन को जो कोशिकाएं होती हैं गिल में वो अवशोषित कर लेती हैं और मछली को दे देती हैं। तो इस प्रकार से बहुत से जंतु एवं कीड़े मकोड़े जल में भी रहते हैं और बाहर कम निकलते हैं। यदि इनको जल में जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो ये मर जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे मछली में गिल पाया जाता है, मेढक में त्वचा द्वारा श्वसन होता है, सर्प में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है जो कभी कभी वो त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकता है। अगला नंबर है, क्या पादप भी या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? प्रश्न है ये, क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं? तो हाँ, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं।
पेड़ पौधों में जो श्वसन की क्रिया है या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या आदान प्रदान जड़ों द्वारा होता है। पौधे की जड़ का सबसे नीचे का भाग, पौधे की जड़ का जो सबसे नीचे का भाग होता है वो बहुत ही कोमल होता है और उसमें पोर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं या मूल रोम पाए जाते हैं जिसको हम वृद्धि प्रदेश कहते हैं। इस वृद्धि प्रदेश में ही केवल जल से वो जल और खनिज लवण एवं ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता केवल इसी भाग में होती है, यानी मिट्टी से कैपिलरी वाटर लेकर के और उसके साथ ऑक्सीजन लेकर के जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पौधा ये ऑक्सीजन और मिनरल्स या वाटर लेकर के सभी भागों में पौधे के भेज दिया जाता है। इसी के द्वारा ही ऑक्सीजन पौधे को सभी जगह पहुंचाई जाती है। ध्यान रखें पत्ती में स्टोमेटा तो होते हैं लेकिन स्टोमेटा का काम श्वसन में नहीं होता है या उनका यूज श्वसन में नहीं किया जाता है। पत्ती की निचली सतह पर निचली सतह खुरदरी होती है और ऊपरी सतह जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में होती है वो चिकनी होती है। निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनका काम केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी एवं खनिज लवण को का उपयोग तो पौधे ग्लूकोज के रूप में कर लेते हैं लेकिन वाष्पित पानी को एनवायरनमेंट में या बाहर निकालने का काम इन छिद्रों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं लेकिन वो श्वसन क्रिया केवल जल के द्वारा ही संपन्न होती है, किसी और पार्ट से संपन्न नहीं की जा सकती है। श्वसन का सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही उद्देश्य है, चाहे वो जंतु हो या पौधे हो, ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा का निर्माण भी कैसे होता है जंतुओं में जरा देखें। जब जंतु श्वसन क्रिया करते हैं तो एनवायरनमेंट की वायु शरीर के अंदर यानी फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित ऑक्सीजन रक्त को दे दी जाती है। हृदय में चार कोष्ठ होते हैं और हृदय के एक कोष्ठ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो जाता है, वहां से फिर धमनियों के द्वारा पूरे संपूर्ण शरीर में भेजा जाता है। रक्त के साथ वो ऑक्सीजन शरीर की सभी कोशिकाओं तक जाती है और कोशिका के एक भाग जिसको माइटोकांड्रिया कहते हैं, माइटोकांड्रिया में संचित ग्लूकोज से वो रिएक्शन करके या अभिक्रिया करके उस ग्लूकोज को ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। ऑक्सीजन का इतना ही रोल था कि माइटोकांड्रिया में उपस्थित ग्लूकोज को ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित करने का काम था, वो उसने पूरा कर दिया। और इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई उस गैस को ब्लड फिर से ट्रांसपोर्ट करके हार्ट में ले आता है और हार्ट फिर से लंग्स को दे देता है और लंग्स के माध्यम से उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से श्वसन के द्वारा हमको कार्य करने की ऊर्जा भी श्वसन से ही मिलती है और इसीलिए श्वसन की आवश्यकता भी होती है। अगर हमें ऊर्जा की जरूरत ना हो तो हमें श्वसन क्रिया की भी जरूरत नहीं होगी और जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की भी जरूरत है और श्वसन की भी जरूरत है। तो बच्चों चैप्टर भी आपका ये कंप्लीट हो गया, तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।